तो गई सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख लीजिए। यहाँ पर लास्ट 28 डेज में यानी कि लास्ट 28 डेज में मेरा जो इम्प्रेशन गया वो यूट्यूब ने भेजा है पूरा 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। और गाइस यहाँ पर हम CTR देख रहे हैं, CTR जो है 4.9 CTR% है। और व्यूज़ की बात करूँ तो व्यूज 60,000 हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इतना बेकार थंबनेल भी नहीं बनाता हूँ, अच्छा खासा थंबनेल बना लेता हूँ, फिर भी गाइस इतना कम CTR क्यों है, इसके भी रीजन बताऊंगा। आपका भी शायद CTR कम आता होगा, अगर CTR अच्छा आता होगा तो आपके इंप्रेशन कम आते होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर व्यूज इतने कम क्यों है ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। साथ ही गाइस जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं, जो आपके फेवरेट यूट्यूबर है, वो किस प्रकार से ग्रो करते हैं, किस प्रकार से उनकी इमेज बन चुकी है, वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। दोस्तों जितने भी आपके फेवरेट यूट्यूबर या जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर, इनकी एक आज मैं ऐसी रियलिटी बताने वाला हूँ जिससे दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो आगे आप बहुत ही अच्छा खासा सक्सेस कर लेंगे। तो गाइस अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आज की ये वीडियो बिना स्किप के पूरा एंड तक देखना, साथ ही आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो कल लेना यार नोटिफिकेशन बेल उसको ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो और हेल्पफुल वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों अभी किस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आप मनोज देव को जानते होंगे, हो सकता है कि आपके फेवरेट यूट्यूबर हों। अब दोस्तों अगर हम इनके एवरेज व्यूज रेगुलर व्यूज देखेंगे हर एक वीडियो पर तो करीबन 1 लाख प्लस हो ही जाते हैं। अब दोस्तों 1 लाख प्लस हो जाते हैं, अगर आप इनके थंबनेल देखेंगे तो हर एक थंबनेल पर इनका इमेज होगा यानी कि इनका फोटो होगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं लोग, इनका फोटो देखा वीडियो पर क्लिक कर दिया। अगर गाइस यहीं पर थोड़ी सी ये मिस्टेक कर दे, मान लीजिए इन्होंने थंबनेल बनाया, अब इनके 1 लाख एवरेज व्यूज आते हैं, अगर थंबनेल में अपना पिक नहीं लगाएंगे, अपना इमेज नहीं लगाएंगे, तो शायद मेरे को नहीं लगता कि 1 लाख व्यूज आ जाएंगे, क्योंकि लोग इनको देखकर आते हैं इनकी वीडियो पर, इनका थंबनेल देखकर आते हैं। मेरी बात करें, मेरा भी यहाँ पर CTR अगर हाई होगा तो अच्छे खासे व्यूज आएंगे। CTR क्यों कम है इसकी रीजन बताता हूँ, शायद आपको भी ये प्रॉब्लम आती हो। गाइज यहाँ पर मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, ना ही मेरा इतना अच्छा इमेज है जो लोग मेरे को देखें और धड़ाक से क्लिक कर दें, तर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों पहले इमेज बनाना होता है, इमेज बनाना होता है तभी व्यूज आते हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे हम इमेज बनाएंगे, अब यहाँ पर क्या करना है, धीरे धीरे हमारी जो इमेज है वो बनती जाएगी, आपकी भी बनती जाएगी। अब मान लीजिए अभी 4.9 CTR आ रहे हैं, थोड़े दिन बाद मैं हर एक थंबनेल में अपना फोटो लगा ही लेता हूँ, क्योंकि गाइस फोटो से इमेज से आपकी इमेज बनती है, आपको लोग जानते हैं और आपको जानने के बाद आपके वीडियो पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं धीरे धीरे अभी 4.9 है, कभी 5 होगा, कभी 6 होगा, कभी 7 होगा, इस प्रकार से जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जैसे उनका 10% रहता है, 15% रहता है, इस प्रकार से हो जाएगा। जब मेरे भी कई सारी वीडियो वायरल हो जाएंगी, आपकी भी कई सारे वीडियो वायरल हो जाएंगे, क्योंकि आपको लोग जानने लगेंगे अगर आपका थंबनेल पर फोटो लगा होगा। मान लीजिए आपकी 2-3 वीडियो वायरल होगी और उनमें आपका इमेज नहीं है, थंबनेल में इमेज नहीं है, तो अरे वो लोग आपको ज़्यादा नहीं जानेंगे, क्योंकि आपकी वीडियो को वॉच किया, आपका थंबनेल नहीं देखा कि आपका थंबनेल कैसा है, आपका इमेज कैसा है। तो गाइस यहाँ पर बड़े यूट्यूबर का एक ही यहाँ पर अच्छा खासा फेम है यानी कि उनका इमेज, अगर वो अपने इमेज नहीं लगाएंगे तो शायद उनका CTR कम हो जाएगा और व्यूज भी आना कम हो जाएंगे। और गाइस इससे आपके लिए एक प्रॉफिट और है, हर एक क्रिएटर के लिए प्रॉफिट है, अगर भाई इमेज लगाएगा तो वो लाइफ टाइम टिकेगा। मान लीजिए आगे आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपके चैनल के साथ, भगवान ना करे ऐसी प्रॉब्लम आए, बट गाइस यहाँ पर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए आ गई, अगर आपका चैनल अब टर्मिनेट हो जाता तो यार अगर आप अपना इमेज नहीं देंगे, अगर आपको यहाँ पर कोई जानेगा नहीं आपकी इमेज से आपकी वीडियो, तो आपके साथ कभी कोई नहीं आएगा। अगर वहीं पर अगर आपका इमेज वायरल है, आपका इमेज से लोग जानते हैं, तो शायद आप नया चैनल भी खोलेंगे, वो भी अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप भी थंबनेल में अपना फोटो इमेज नहीं लगाते, अगर आप अच्छी वीडियो बनाते हैं तो आपको इमेज लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमेज से आपकी ऑडियंस आपसे अटैच रहती है। अगर आपका थंबनेल उनके सामने दिखाई देगा तो वो डायरेक्ट क्लिक कर लेंगे, अगर वहीं पर आपका इमेज नहीं होगा तो उनको नहीं पता है कि ये यूपी स्मार्ट टिप्स की वीडियो है या किसी और क्रिएटर की है। तर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको अपना इमेज बनाना है, अगर आपको लाइफ टाइम सक्सेस करना है। आपने जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स देखे होंगे, चाहे गेमिंग से हुआ, चाहे टैग से हुआ, चाहे अनबॉक्सिंग किसी भी प्रकार का हुआ, जो भी बड़ा क्रिएटर है वो अपने थंबनेल में अपना पिक जरूर लगाता है, क्योंकि उसको अपना इमेज बनाना है और बन भी चुका है। अगर वह नहीं लगाएगा तो उसके क्लिक कम आएंगे और व्यूज भी कम आएंगे।
फिर आपको सेट कर लेना। अगर आपके पास अच्छा सुटेबल थंबनेल बनाने के लिए फोटो क्लिक है तो यार आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटो अपना थंबनेल में लगाना, क्योंकि इससे आपके व्यूज इंक्रीज होते हैं और आपको लोग ज़्यादा जानने लगते हैं और आपका इमेज भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो गाइस आज की ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना, साथ ही आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लेना या नोटिफिकेशन बेल उसको ऑल पर सेट कर देना। साथ ही इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।